की चर्चा गुरु के माध्यम से जो दत्ता परिवार ने अपने आग्रह पर रखी थी उसको ध्यान किया और हमारी हरिओम दत्ता जी जो सबके परी सबके आत्मस थे उनके श्रद्धांजलि सद्भाव से जुड़ने भाव से साथ में कोई प्राण बदला है सहजता भी और सरल रहते हो क्या हो सकता है मना अगर कहीं रास्ते में निकल भी रहे हो जा भी रहे हो अगर दूर से भी आपने देख लिया पंडित जी आ रहे हैं वही जाकर के खड़े होकर दी अपनी गाड़ी रुक गई मना और जब प्रणाम कर देता अब शोक सभा का समय विराम की ओर है तो मैं चाहूंगा हम सब मिलकर के महाराज इस पुण्य आत्मा को भाव से मेरी इच्छा अंतःकरण से आप सब मेरे साथ मिलकर के हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 hare krishna 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 hare 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 rama 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 hare hare om jaya om shanti चरण शांति धरे शांतिया शांति शांति वनस्पतय शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वग शांति 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 ओम
वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कृष्णदासाय श्री गोविन्दाय नमो नमः निरनो देवा सङ्गजगदागरा हव्यमे पुनरीता च पितृस्वर्वरोभवः आदरणीय पंडित जी पूज्य मातृशक्ति आदरणीय महानुभाव अज असि सारे मेरे वड्डे भरा हरिओम करता जी की अंतिम दास दे विच कत्तर होए हैं। मौत इस जीवन का अटल सच है। जो भी प्राणी इस संसार जाता है एक दिन नहीं जाने में बंद फरमान है मनन लिखाए मंडल ने इंसान की किन्नी आयु होगी इंसान ने की कर्म करना है इंसान का की भाग्य होगा ये सारी चीजा जन्म तक निश्चित होंदिया है। लेकिन कुछ इंसान अपने कर्मा राही अपने सुभा राही जो अपनी औलाद राही एक छापा छड़ जाते हैं जिन्हें की पढ़ाई नहीं भूलती असाडे विचों बहुत नेक एक धार्मिक एक कर्मक इंसान हरिओम में चले गए लेकिन उन्होंने कीते काम सानू हमेशा में याद लाएंगे। और मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि जेड़ी फुलवारी दत्ता साहब लागे है ये सदा हरी भरी है ये परिवार सदा खुशियां देके ने माने ऐसी मंगल कामना करता हाँ। मैं अपने वालों अपने परिवार वालों और भारतीय जनता पार्टी वालों महामाई के दास करूंगा कि साढ़े इस वड्डे भरा नूं अपने चरणां दे विच निवास स्थान देना पिछे परिवार सके संबंधियों जरा अटैक साधन पाया सहन करने की शक्ति देना तुम सारे लोग दत्ता परिवार के नाल दुख बटाने कत्तर हो सारे का परिवार वालों बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम शांति 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 ओम। Thank you.
सत बता रहा हूं, ब्राह्मण होने के नाते मैं उम्र में बहुत
छोटा था उसे ऐसी बात आयु की मेरे से बहुत बड़ी थी, लेकिन दत्ता साहब ने करके दूर से देखा हो ब्राह्मण आ रहा है वही पर रुक करके खड़े हो गए आगे नहीं बढ़े और जब तक प्रणाम नहीं किया चरण छू करके तब तक आगे नहीं गए। ये आपकी सहजता नहीं और सरल रहते हो क्या हो सकता है मन। अगर कहीं रास्ते में निकल भी रहे हो जा भी रहे हो अगर दूर से भी आपने देख लिया कभी भी आ रहे हैं वही जा करके खड़े होकर दी अपनी गाड़ी रुक गई मन और जब प्रणाम कर देते थे उसके बाद चल पड़ते। ये सरलता होती है ये सहजता होती है ये सरलता सहजता सब शरीर से भी उनके मन से थी मन। आज इस परिवार के लिए जो वेदना जो पीड़ा इन तीनों भाइयों के लिए मन मुनीष दत्ता के दोनों भाइयों के साथ मैं अनुभूति कर सकता हूं आपकी पीड़ा आपके कष्ट पिता की छत्र छाया में जो जीवन आनंद से गुजर रहा था मन अब वो नहीं हो सकता। आपने जो जीवन की छटा थी आपकी वो बड़ी अद्भुत थी मन। वो प्रातःकालीन के वेला जब आपका अंतिम समय इस भूमंडल पर था इस पंच भौतिक शरीर त्यागने का इन बच्चों ने भी सोचा नहीं था हमारा कल्पना नहीं करी थी हमारे पिताजी इस प्रकार से चले जाएंगे। बहुत सारी ज्यादा उम्र भी नहीं कह सकते हम कि दत्ता साहब इतनी उम्र ज्यादा भूख करके गए लेकिन फिर भी सरलता से अपने प्राणों को त्याग करके हमारा याति कर्म संबंधा कर्म छेते पुरा एक पल नहीं लगता महाराज एक क्षण नहीं लगता व्यक्ति को जब उसके कर्म छय हो जाते एक पल नहीं लगता और वो भूमंडल का त्याग कर देता महाराज एक क्षण नहीं। हम जितने भी जीव संसार में आए अगर गरुड़ प्राण को खा करके देखते हैं तो गरुड़ प्राण ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया हर एक जीव पर अपने कर्मों के साथ बंधकर के आए। आप इस सुक्ति को देख लो गरुड़ प्राण के स्वरूप को देख लो भगवान ने कह दिया आयाति कर्म संबंधा कर्म छेदे पुनः जिस वक्त कर्म छे हो जाते हैं कर्म समाप्त हो जाते हैं कौन से स्थान पे समाप्त होंगे कहां पर छे होंगे मारे इस बात का पता नहीं। व्यक्ति को उसी वक्त इस भूमंडल को छोड़ना पड़ता है मारे संसार की हर एक चीज अनित्य है ये परम सत्य है लेकिन भगवान ने गर्भ प्राण में लिख दिया मृत्यु एक ऐसा तत्व है जो अटल सत्य है मारा है बाकी चीज कोई सत्य हो ना हो लेकिन भगवान कह देते गरुड़ प्राण एक चीज तो सत्य है संसार की एक चीज तो हम भी जानते हैं महाराज सभी जीव को पता है एक ही चीज संसार की सत्य है वो हमारे लिए सत्य है सिर्फ मृत्यु सत्य अटल सत्य है महाराज जिसको आप नकार नहीं सकते महाराज जिसको आप वो नहीं मान सकते यही जीव की सबसे संसार में अगर कोई सत्य चीज है तो मृत्यु हमारा अटल सत्य है बाकी चीज तो सब अनित्य है लेकिन मृत्यु नित्य है महाराज। भगवान कहते गरुड़ प्राण में आयाति कर्म संबंधा कर्म छेदे पुनः आप विचार कर लो आप कल्पना कर लो महाराज हम बार बार इस संसार में जन्म और मृत्यु लेकर के आ रहे बार बार लेकर के आ रहे कभी गरुड़ प्राण आप उठा करके देख लो गरुड़ प्राण का कभी चिंतन करके देख लो महाराज। अरे भगवान ने तो गरुड़ प्राण में लिखा कि सात महीने का जीव जब मां के गर्भस्थ होता और जब उस गर्भस्थ शिशु को अपने जन्म जन्मांतरों का स्मरण आता है जन्म जन्मांतरों की स्मृति आती है कि मैं कितनी बार जन्म ले चुका हूं कितनी बार मृत्यु को प्राप्त हो चुका हूं तो ही परमात्मा से कहता हमारे ऐसा आपने संसार बनाया हमारा अद्भुत संसार बनाया आपने जब जब मैं मां के गर्भ में आता हूं तब तक मुझे स्मृति रहती कि मुझे बाहर जाकर के अपने आप को नहीं चिंतन करके देखो जब सात महीने का गर्भस्थ जीव की उत्पत्ति का जहां परमात्मा ने वर्णन किया वहां परमात्मा ने वर्णन किया मन सातवें महीने में गर्भस्थ जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है आपके अद्भुत बनाई हुई संसार अद्भुत बनाई हुई सृष्टि देखो मारा कितनी अद्भुत है कि जब मैं इस गर्भ में आता हूं मां के गर्भ में आता हूं तो हर एक बार मुझे स्मृति रहती है कि मुझे परमात्मा का वर्णन करना मुझे अपने आप और कल्याण का
तो मेरी बुद्धि और मेरी प्रवृत्ति फिर से उसी प्रकार से हो जाती है जिस प्रकार से पहले थी कि विपराम गति ही। जब मैं इस भूमंडल का स्पर्श करता हूं तो मेरी मति और मेरी बुद्धि विपरीत गति को प्राप्त हो जाती। कौन सी विपरीत गति? एक गति वो हमारे सब जीवों की कि हमें परमात्मा का भजन करता हम जो संसार की सुखों की और संसार के फिर कर्म जंजाल में लग जाते। इसलिए जीव कहता है महाराज कि जब मैं सृष्टि में जाता हूं जब भूमंडल पर जाता हूं तो भूमंडल का स्पर्श करती ही मुझे उस विपरीत गति को दोबारा से जाना पड़ता है जिसको भोगने के कारण मैं बार बार इस मृत्यु और जन्म के जंजाल में पड़ा हुआ है। इससे निकल नहीं पाया आज तक। आप ये सत्य मानो पता नहीं कितनी बार हम इस भूमंडल पर जन्म ले चुके हैं और कितनी बार, लेकिन उतनी देर तक कहते जितनी देर तक दिव्य ज्ञान परमात्मा ने जब तक माया का पर्दा हमारी बुद्धि के ऊपर नहीं डाला और जब माया का पर्दा बुद्धि के ऊपर पड़ जाता है जब भूमंडल पर आ जाता तो फिर उसी कर्म जंजाल में लग जाता और फिर से वही कर्म करने पड़ते कोई मां के घर में। जब ये बात समझ नहीं आए आज भी निकलते वक्त अब आपको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचा मैं सत्य होता और प्यास पीठ पर बैठ करके। कुछ लोग ऐसे होते हैं संसार में जिनको विस्मृत करना और जिनको भूलना बड़ा कठिन हो जाता। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं संसार में जिनकी याद रहे रह करके भी मन बार बार स्मृत करता पर चाहे मृत्यु को प्राप्त हो चाहे शरीर बदल दिया हो लेकिन जो सुगंध आपकी समाज में थी वो सुगंध आपके जाने के बाद भी कई वर्षों तक रहेगी मान मेरे हृदय में नहीं। जिन लोगों से आप जुड़े थे जो लोग आपको जानते थे मान उन सब के अंतःकरण में विद्यमान रहेगी उन सब के अंतःकरण में इस रूप से आप जीवित रहोगे मान इस रूप से बनी रहोगे। अरे शरीर एक किया एक घर है एक घर है एक न एक दिन बदलना पड़ेगा हो जिंदगी एक किया एक घर है एक न एक दिन बदलेगी मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा जिंदगी एक किराए को आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा कितना मजबूर हो जाएगा तू कितना मजबूर हो जाएगा तू इतना मजबूर हो जाएगा तू कितना मजबूर हो जाएगा तू ये जो मखमल कचोला है तेरा ये जो मखमल कचोला है तेरा ये कफन बजनेगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा बदलना पड़ेगा कर ले ईमान दिल की सफा की है आके समझना पड़ेगा वो जिंदगी का किया एक घर है एक न एक दिन मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा ऐसी हो जाएगी तेरी हालत करे अपनी ऊंची हवेली तुझको बाहर निकलना पड़ेगा एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा है बहुत ही बुरी चीज दुनिया है बहुत ही बुरी चीज दुनिया क्यों समझता है दुनिया अपना क्यों समझता है दुनिया अपना
पड़ेगा, तुम्हें भर हाथ मरना पड़ेगा। ओ जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। कौन पट्टा निभाकर के इस संसार में आया भारत की जाएंगे, हर एक जीव को जाना पड़ेगा, लेकिन जाने के बाद कुछ ऐसा करके जाओ भारत जो लोगों के दिल में तो ध्यान हो ना, रह करके भी आपको भुला न सके, ऐसा कुछ करके जाओ। जाने को पसरा नारी ते गाई सखा संसानी ने चिताया परलोक मार गे धनवान लोग परिणित हो गया। लेकिन उस शरीर से आपने जो बधाइयां की थी महाराज, जो आपका प्रेम था लोगों के साथ, वो तो स्मृति में है ना, वो तो बना, ये सत्य है। जिस पुष्प में हमारा खुशबू होती है उसकी ओर हमारा मन आकर्षित हो ही जाता है, ऐसे ही हमारा जीवन है। अगर समाज में कुछ खुशबू फैलने तक ये शरीर ऐसा ही चला गया तो भगवान स्पष्ट कहते महाराज पश्चाताप करना पड़ेगा इस शरीर पर भी कि मैं इससे कुछ करके नहीं आया हूं। मंडल से निरर्थक इस शरीर को धारण करने का मैं कुछ सार्थक कर नहीं पाया महाराज, और जो कुछ कर जाते इस शरीर धारण करके महाराज, अपने आप को भी आनंद होता है। आप गरुड़ प्राण खा करके देख लो क्या लिखा भगवान ने गरुड़ प्राण में, जीवन का आनंद सिर्फ शरीर के साथ यहीं तक सीमित नहीं है। शास्त्र कहता महाराज, अगर जीवन को आनंदित बनाना चाहते हो तब बरकरार रहेगा जब हम कुछ त्याग करेंगे महाराज, सिर्फ अपने लिए नहीं जिएंगे। जब तक तुम स्वयं के लिए जी रहे हो जीवन का आनंद ही तक बरकरार है, और क्या तुम करते हो दूसरे के लिए जीना सीखते हो तो महाराज वो मृत्यु के बाद भी आनंद आया है। नहीं तो आप गरुड़ प्राण खा करके देखो भगवान ने क्या कहा गरुड़ प्राण को, अरे इस शरीर को प्राप्त करके कहीं पश्चाताप ना करना पड़े, अपने आप के लिए सोचना ना पड़े, अपने आप के लिए आत्मग्लानी ना करनी पड़े। मानोर तत्व होकर के महाराज इसका कुछ मूल्य नहीं था ना, कुछ तत्व नहीं था ना, भाव से गाएगा जरा अनमोल तेरा जीवन योगी का माता है, अनमोल तेरा जीवन योगी का माता है, किस ओर तेरे मन किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरे मन किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन योगी का किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूही हमारा, अनमोल तेरा जीवन यूही हमारा है, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए, जिंदगी की है श्वास यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है श्वास यूं ही लुटा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन
बंदियों ही गवाया है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवाया है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है मेरी फल आज पा रहा है, कर्मों की है ये तेरी फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवाया, ममता में क्यों आज तुझको फेरा, सुख के सभी है साथी कोई नहीं है तेरा, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला। किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा। तन में भगवान से जुड़ा है जब तक है वेद, मन में भगवान से जुड़ा है, खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही प्रभु है, खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही प्रभु है। सुख दुख होके भी दुख आज पा रहा है, सुख दुख हो किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा। आदि चला गया हमारा, ये सत्य है। मुंड पर कर्म करके गया, बार बार स्मृति आती है हमारा, तो ये जीवन आनंद और सुख में बन जाए। एक विपुण ऐसे ही मेरा भी आपसे प्रेम था, हमारा ब्राह्मण तो हूं लेकिन आपके निकट होने के कारण मेरा आपसे बड़ा संबंध था। जितना मैंने आपको जाना, मृत्यु से पहले कभी कभी मुझे ऐसी अनुभूति होती थी, आपको पता था कि आप इस साल इस संसार से विदा हो जाए। जब आपने मेरे से चर्चा की तो ऐसी अनुभूति लगती थी आपको आभास हो गया था कि आप इस संसार को कर लीजिए। मैं तुम दोनों को इस व्यास पीठ से शाबाशी देता हूं कि तुम दत्ता साहब का कितना ख्याल रखा करती थी, वो मैंने अपने मित्रों के सामने देखा। हर एक चीज की, हर एक वस्तु की तुम ख्याल रखा करती थी। दोनों एक पुत्री बन करके अपना जो धन भाव निभाया वो सचमुच कहने के हो गया। आज तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता भी चले गए, सचमुच उनके हरेक पल के, जब से माता श्री का स्वर्गवास हुआ उसके बाद जब आप एकांत जीवन यापन करने लगे तो आपने कभी कभी ही आवाज सुनी थी, आपका आभार है तुम। उनके पुत्र महाराज मुनीश दत्ता जी, नितिन दत्ता जी, तीसरे पुत्र बैठे, इन सबको मारा कितने, आज आपकी कमी कितनी। जब समाज को आपकी कमी की अनुभूति हो रही है तो आपको परिवार को क्यों नहीं कमी की अनुभूति होगी मारा। जितने लोग आपसे जुड़े थे, जितने लोग आप जानते थे, सबके लिए आप एक अनुभव के रूप में रह गया मारा, सबके लिए स्मृति के रूप में आपके कमी सबको आभास होगी। इन बच्चों के मारा सचमुच बहुत वेदना का समय, बहुत कष्ट का समय। मेरे जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं, जब मैंने उनकी वाणी से सुना उस दिन के बाद ऐसा लगने लगा महाराज कि हमारी पूरी गली सुनी होगी। हमारे जितने उनके मित्र बैठे हैं, जो उनके साथ बैठते थे उठते सब बैठे, हमारे शर्मा जी बैठे हैं और भी बैठे हैं जो उनके साथ उठते बैठते थे,
तो आपके जाने के बाद उनके जीवन में जो आभाव है सबको एकत्र करके बिठाना और सबका सहयोग करना, सबके साथ मिलकर के रहना, ये भी तो बहुत बड़ी खासियत है। मन एक व्यक्ति सिर्फ अपना जीवन अपने घर तक जिए, वो जीना भी क्या जीना हमारे, आप बताओ। हम सोचे कि समाज हमको याद करे, लेकिन समाज हम सिर्फ घर के अंदर तक सीमित रह जाए, समाज हमें याद करेगा? अरे समाज तुमको तब याद करेगा जब तुम समाज के साथ जुड़कर के जीवन यापन करो। करके देख लो, जीना तो उस श्रेष्ठ कर है, सही कर है जिसमें थोड़ी बहुत जिया मन। आज दत्ता साहब ने बच्चों के साथ देखकर बच्चों के साथ बच्चा बन जाना, युवा के साथ युवा बन जाना और वृद्ध के साथ वृद्ध बन करके उन्होंने जीवन को यापन किया। ये सिर्फ हमारा उनका पंच भौतिक शरीर अदृश्य हो जाता है, लेकिन माता पिता तब तक जीवन के साथ जुड़े रहते हैं जब तक कि शरीर में श्वास चल रही है, और जब श्वास समाप्त हो जाती है तब माता पिता कहीं हम मान ले वो हो गए, लेकिन जब तक जीवन चल रहा तब तक आप साथ होंगे। मन इन बच्चों को ले जब तुम्हारी आवश्यकता पड़े आप इन प्रार्थना पर हस्त बनाए रखें, ये मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं। इस परिवार पर जो दुख इनको आया और जो वेदना जो कमी आपकी अनुभूति हुई उस कमी को जो है ये मदद पूरी है, ये जिस शरीर को उन्होंने धारण किया था वो शरीर वापस आ, ये तो आप भी मानते हो मन, भगवान ने तो स्पष्ट कर दिया गर्भ प्राण में हजार वर्ष तक विलाप कर लो, हजार वर्ष तक शोक व्यक्त कर लो, लेकिन जो संसार से चला गया वो कभी वापस नहीं आता था, वो शरीर से नहीं आ सकता है ना। अगर ये शरीर अदृश्य हो गया तो हो गया मन, वैसे आपका शरीर पंच भौतिक शरीर आपने धारण किया था वो अदृश्य हो गई, आपकी आत्मा अजर हो। इसलिए इस परिवार के लिए महाराज यही कहूंगा कि सब परमात्मा के चरणों में जुड़े, समाज के लिए इनके बच्चे काम करें महाराज, नीति के मार्ग पर चले। एक पिता के लिए श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है महाराज ने, अरे कल पिता के लिए श्रद्धांजलि देनी हो तो मन में ये सोच लो कि समाज के लिए जिएंगे, वेद के लिए जिएंगे, नीति के लिए जिएंगे, नीतिवान होकर के जीवन को यापन करेंगे, धर्मवान होकर के जीवन को यापन करेंगे। आपकी अनुभूति आपके आवास में दत्ता साहब सेवा करते, वहां मंदिर की सेवा करते थे, सारे मंदिर प्रबंधक कमेटी, हमारे प्रधान जी, हमारे सेक्रेटरी साहब और भी उनके मेंबर सब आए हैं शोक सभा में, उन्होंने भी महाराज अपना शोक संदेश व्यक्त किया है। आज दत्ता साहब की उनको भी कमी है, मैं अनुभूति कर सकता आवास कर सकता हूँ उस प्रबंधक कमेटी को जिनके साथ आपने व्यवहार किया, जिनके साथ आप रहे, वहां पर मंदिर की सेवा की, उन्होंने अपना सुख संदेश आपके लिए व्यक्त किया, इस परिवार के लिए महान आत्मा के लिए। लेकिन समय बहुत कम होने के कारण ज्यादा समय ना देते हुए सब मैं बनारी साहब को समय देता हूं, इन्हें बनारी जी उस वो आकर के कुछ पल के लिए महाराज अपने बात को पुष्पांजलि अर्पण करेंगे, परिवार की तरफ से महाराज सबका धन्यवाद करेंगे और उसके बाद हम सब इस शोक सभा को विराम की ओर ले जाएंगे। मैं भंडारी साहब से आमंत्रण करता हूँ, परिवार की तरफ से धन्यवाद और दत्ता साहब जी को पुष्पांजलि। आदरणीय पंडित जी, पूज्य मातृशक्ति, आदरणीय महानुभाव, अज असि सारे मेरे वड्डे भरा हरिओम करता जी की अंतिम दास के कत्तर आए हैं, मौत ही जीवन का अटल सच है, जो भी प्राणी इस संसार चाहता उन्हें एक दिन नहीं जाना है, बंद फरमान है, मन लिखाए मंडल है, इंसान की किन्नी आयु होगी, इंसान ने की कर्म करना है, इंसान का की भाग्य होगा, ये सारी चीजा जन्म तक निश्चित होंगे है। लेकिन कुछ इंसान अपने कर्म राही, अपने सुभा राही या अपनी औलाद राही एदा छापा छड़ जाते हैं जेडे की पढ़ाई नहीं भूलती है। असाडे विचों बहुत नेक धार्मिक कर्म इंसान
हरिओम भी चले गए, लेकिन उन्होंने किते काम सानू हमेशा में याद लांगे। 26 तरीक नितिन जी मेरा छोटा वीर है, असि काली माता मंदिर झंडा फहरा रहे सी, फोन आया कि डैडी की तबीयत ठीक नहीं है, ते तुरंत चले गया। अद्धे घंटे बाद फोन आ गया कि हरिओम जी नहीं है। मौत संतां वाली है, लेकिन जिस परिवार का मुखिया करता है उस परिवार को पूछ के देखो उस परिवार से की बीती है। हरिओम जी एक बहुत ही हद नजीज, हरेक नाल प्यार मोहब्बत, हरेक नूं अपना बना लैणा, इह वाली कला सी। मंदर राम शर्मा जी बैठे है, मैं कदम महसूस कर रहा है कि जिन्नी घाट इस परिवार को पई है उस तो बद घाट मंदर राम शर्मा जी पई है। जेडे अपना वड्डा भरा मानते सी उन्होंने भी बहुत ही कदर ते इज्जत करते, जिन्नी मंदिर की सेवा करते सी साडे सारे के सामने है। जो भी समागम होना सलाना हरिओम जी ने सब तो अगा करके सबू दार दे जाने, हवन जगे होना, लंगर लगना, यह सारी हम याद रह गई है। सू भी याद आगे जलो साडे घर कार आते सारी टीम, जो हरिओम जी नहीं आगे तो मैंने भी बहुत वही घाट महसूस होगी। काली अकाउंटी ने पाकर डिवेलपमेंट होनी सी तो किन्ना चा सी इन्हों, मैं तुम लफ्जा च बयान नहीं कर सकता। ज्ञान शर्मा जी बैठे हैं, यह सारी हम यादा रह गई हैं। मैं तिने भावों को ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके हरिओम जी ने समाज के अपना प्यार सत्कार बनाया सी, ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਓਮ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਪੁੰਜੀ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਚ ਰੁਸਵਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਖਰਬਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਔਲਾਦ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਰੁਤਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਮਰਨ ਉਪਰਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਦੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਉਜਵਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੁਲਵਾਰੀ ਦੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੇ ਹੈ ਇਹ ਸਦਾ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਐਸੀ ਮੰਗਲ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਮਹਾਮਾਈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਹਿਤ ਸਾਧੋਂ ਪਿਆਰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵਡਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਓ ਅਬ ਸੁਖ ਸਦਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਰਾਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਹਮ ਸਭ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪੁੰਨਿਆ ਆਤਮਾ ਕੋ ਭਾਵ ਸੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅੰਤਾਕਰਨ ਸੇ ਆਪ ਸਭ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਬਕੇ ਹਿਰਦੇ ਮੇ ਹੋਗਾ ਆਪਕਾ ਹਸਤਾ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਸੁੰਦਰ ਵਿਵਹਾਰ ਸਦਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਕੋ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਅੰਤਾਕਰਨ ਕੋ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਅਬ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆਪਕੇ ਲਈ ਭਗਵਤ ਨਾਮ ਹਮ ਸਭ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ। ਆਪ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਭ ਗਾਏਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੰਦਨਾ। एक बात ध्यान रखना, हम जाने वाले के लिए कुछ कर नहीं सकते,
ये सत्य है। लेकिन गरुड़ प्राणी के अनुसार यहां पर बैठकर की जो सत्य की चर्चा करते भगवत नाम लेते हैं, आपको पता है एक साल की यात्रा धर्मराज की सभा में जाने एकदम ही पहुंचता है, जो दिन नहीं पहुंचता साल भर लगता है। तो उस नाम संकीर्तन से भगवान के नाम लेने मात्र सीखने रूप बैठे तो दत्ता साहब को बाद में बदल देगा, कभी तो आपकी सदा नहीं नीचे आ रहे हैं।
चलाने चलाने फोटो कहाँ जा रहे चलो जी Thank you.